हेलो एवरीवन, मैं निकहत परवीन खान कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास के कुछ और इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के जैसे ही इसमें भी 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि मिक्स बैग होंगे, मतलब शुरुआती कुछ क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास पे, फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास पे और लास्ट में आधुनिक भारत के इतिहास पे क्वेश्चंस होंगे। करीब 20 क्वेश्चंस है जैसे कि लास्ट वीडियो में था। फाइन, ठीक। तो ये सारे सेक्शन जहाँ से टॉपिक जिन टॉपिक से क्वेश्चंस लिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के अलावा उनके इर्द गिर्द और जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें आप ज़रूर सॉल्व कर लें। क्वेश्चन बताने का मकसद सिर्फ प्रैक्टिस करवाना नहीं है, उसके लिए तो आपको ढेरों और क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से और दूसरे और ज़रियों से मिल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मकसद हमारा ना सिर्फ उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना है बल्कि उसके इर्द गिर्द और क्या सेक्शंस इंपॉर्टेंट है वो बताना भी है। क्वेश्चंस बताकर हम एक्चुअली उस टॉपिक को हाईलाइट करना चाहते हैं कि भाई इस टॉपिक को अच्छे से देख लेंगे, इसके ऊपर के और एमसीक्यूज सॉल्व कर लेंगे। कुछ चीज़ें तो पूरे लेक्चर के दौरान ही थी, उसी के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जिसको मैं रिलेट करके आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगी। कुछ ऐसी भी क्वेश्चंस हैं जो नए हैं, कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो शायद मैंने डील नहीं की थी पर कहा था आपको कि आप पढ़ लेना, उन चीज़ों को रिमाइंड कराने के लिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी डाले हैं जो फैक्ट से डायरेक्टली, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन विद क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है, इन साहित्यकारों एवं उनकी रचनाओं में कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, मतलब कौन सा इनकरेक्ट मैच्ड है आपको पूछ रहा है, इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है। नारायण पंडित हितोपदेश, शुद्रक स्वप्नवासवदातम, भास मृच्छकटिकम, कामंदक नीतिसार। अगर आप क्वेश्चन को समझ पाए तो अब तक समझ गए होंगे कि गुप्तकालीन साहित्य के ऊपर कुछ साहित्यकार और उनकी किताबों पर से प्रश्न उठाया है। मैंने आपको गुप्तकाल में कहा था कि गुप्तकाल को स्वर्ण काल कहे जाने के पीछे बहुत बड़ी वजह साहित्यिक विकास है। कालिदास की रचनाएं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आज तक के प्रासंगिक हैं, साथ ही साथ अमर सिंह की रचनाएं हो चाहे विष्णु शर्मा की रचनाएं हो, ऐसे बहुत सारी प्राचीन भारत के ऐतिहासिक साहित्य की रचनाएं गुप्तकाल में ही हुई। इसलिए मैंने आपको गुप्तकाल के लेक्चर के दौरान ही एक स्लाइड्स के जरिए पीडीएफ के जरिए भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स बताया, ऐसा ये क्वेश्चंस डायरेक्टली उसमें है, ठीक है। क्वेश्चन जो है डायरेक्टली उसी में से लिया गया है, ठीक। तो आपको ना जो किताबें हैं उसकी डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं कि इसमें क्या बताया गया है, इसमें कितने कंटेंट हैं, क्या इसकी पृष्ठभूमि है, ऐसा कुछ भी नहीं। एकदम ऑब्जेक्टिव पर्पज़ से आपको सिर्फ बुक्स एंड ऑथर्स की जो आपने लिस्ट बनाई है उसे याद करना है, ठीक। और इसमें समझ तो गए होंगे अब कहाँ से लिया है, क्वेश्चन में पूछा है कि बुक्स एंड ऑथर्स की लिस्ट में कौन सा गलत है। तो देखिए, नारायण पंडित हितोपदेश ये बिल्कुल सही मैच्ड हैं। हितोपदेश जो है ये फेबल्स है, फेबल्स बेस्ड ऑन ह्यूमन एंड एनिमल कैरेक्टर्स यानी कि दंत कथाएं हैं हितोपदेश में जो नारायण पंडित ने लिखा है। किरदारों के रूप में इंसानों को भी लिया गया, जानवरों को भी लिया गया और ये बिल्कुल सही मैच है गुप्तकालीन इंपॉर्टेंट रचना। उसके अलावा शुद्रक स्वप्न वासवदातम, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। स्वप्न वासवदातम जो कि राजा उदयन ने जब स्वप्न वासव दत्ता से मुलाकात की थी उसके ऊपर एक किताब लिखी गई है, वो शुद्रक ने नहीं लिखी है, वो भास ने लिखी है, ठीक है। राजा उदयन के स्वप्न से संबंधित ये किताब है स्वप्न वासव दत्ता, एक्चुअली संस्कृत नाटक है ये जो भास द्वारा रचित है, शुद्रक द्वारा नहीं, इसलिए ये गलत मैच्ड है, ठीक है। तीसरा है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम क्या भास ने लिखी है? नहीं, इसे शुद्रक ने लिखी है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे मैच किया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, शुद्रक की रचना भास में और भास की रचना शुद्रक के समक्ष लिखी हुई है। मृच्छकटिकम मतलब मिट्टी का खिलौना, इसका संस्कृत में मतलब होता है, ये भी एक संस्कृत नाटक है जो कि पाटलिपुत्र की पृष्ठभूमि पर शुद्रक द्वारा लिखा गया था और ये भी एक गुप्तकालीन इंपॉर्टेंट साहित्य है, ठीक है। तो ये भी गलत मैच्ड है क्योंकि मृच्छकटिकम शुद्रक ने लिखा और स्वप्नवासवदातम भास ने, ठीक। कामंदक नीतिसार ये बिल्कुल सही है, राजशास्त्र पर लिखी गई ये एक और इम्पॉर्टेंट किताब है प्राचीन भारत की जो कामंदक ने लिखी। तो इस हिसाब से पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है और इस हिसाब से आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, दो एवं। तो कौन सा सम्मिलित नहीं बोल रहा, दो और तीन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, चलिए, आई होप समझ में आया। बताने का मकसद ये था कि और दूसरे जो गुप्तकालीन साहित्य हैं उन्हें भी पढ़ लीजिएगा, चाहे विष्णु शर्मा का हो चाहे वो
कालिदास के हों, चाहे वो उस वक्त आर्यभट्ट या फिर वराहमिहिर, इनकी किताबें हों, आप ज़रूर याद करें। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर टू पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि वैदिक साहित्य से लिया गया है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? यम नचिकेत संवाद के ऊपर एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दरअसल कई बार इंडिया के कई हिस्सों में सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आया हुआ एक डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये लिया है। कभी ना कभी आप व्यापम इतिहास, व्यापम की हिस्ट्री में या फिर पीएसए की हिस्ट्री में भी इस क्वेश्चन को देखे ही होंगे। ठीक, तो जो भी उपनिषद हैं या पुराण हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पुराण किस विषय वस्तु पर आधारित है या कोई पर्टिकुलर बात कौन से उपनिषद में दी गई है, ऐसे क्वेश्चन सब कॉमन देखते सुनते ही होंगे। जब मैंने वैदिक काल का चैप्टर आपको पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि वैदिक काल को पढ़ने के दो हिस्से होते हैं। एक आपको वैदिक साहित्य पर ध्यान देना होता है जिसमें चारों वेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, ये सारे आपको थोड़े थोड़े इनकी जानकारी होनी रहती है। और दूसरा पार्ट होता है आपको आर्यों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उनकी सभ्यता के बारे में। तो वैदिक साहित्य की कुछ लिमिटेड चीज़ें मैंने आपको क्लास में बताई थी और कही थी कि आप इसकी डिटेल और एमसीक्यू सॉल्व करके आप हासिल करें। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी जैसे कि उपनिषदों के बारे में बताया था कि उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुल मिलाकर 108 उपनिषदों का अस्तित्व है वैदिक साहित्यों में। ठीक, ज़्यादातर किसी न किसी प्रसिद्ध ब्राह्मण ने लिखे हैं इन उपनिषदों को। ठीक, जैसे छंदोग उपनिषद, छंदोग के बाद ब्राह्मण ने लिखा है, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, मैक्सिमम किसी उस वक्त के बहुत ही प्रख्यात ब्राह्मणों ने लिखे थे उपनिषदों को। हर उपनिषद में अलग अलग विषय वस्तुओं का वर्णन है, विषय वस्तु पर आधारित हैं वो। और ऐसा नहीं है कि पूरे 108 उपनिषदों के नाम और उसकी विषय वस्तु आपको पढ़ना है, वो बहुत डिटेल है, वो जानने की ज़रूरत नहीं। इसका सबसे बेहतर तरीका है कि जिन जहाँ पर भी आप ऑब्जेक्टिव पर्पस से वैदिक लिटरेचर पढ़ रहे हैं वहाँ के ऊपर के एमसीक्यूज़ उपनिषदों के ऊपर के आप अलग से सॉल्व करें। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बोल सकती, ना ही ये पॉसिबल है कि पूरे 108 उपनिषदों के नाम और उसके कंटेंट आप याद करें। नहीं, अगर ये क्वेश्चन आया है तो इसका मतलब ये नहीं है आपको पूरे उपनिषद पढ़ने। क्वेश्चन लाने का मेरा मकसद यही था कि आपको ये बताऊं कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आपने देखा है कि पुनर्जन्म का उल्लेख कौन से उपनिषद में है या सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद में है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो क्या हमें पूरे उपनिषद और पूरे पुराणों की विषय वस्तु पढ़नी है? तो नहीं, क्योंकि आप इतना वक्त उसमें ज़ाया नहीं कर सकते। बस वैदिक साहित्य ये कुछ इंपॉर्टेंट रचना है तो संख्या याद करिए और कुछ दो चार एकदम हाईलाइटेड पॉइंट्स जो अक्सर पूछे जाते हैं बस उसी को याद करिए। जैसे अगर आप उपनिषद पढ़ रहे हैं तो कितने हैं, उपनिषद का नाम क्या है, सबसे पहला उपनिषद यानी सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, तो हम पढ़ते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। उसके अलावा भारत का आदर्श वाक सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडको उपनिषद, ऐसी छंदोग उपनिषद के उपनिषद से एक आध दो ही आपको ऐसे एमसीक्यूज मिलेंगे जिसमें से एक और फेमस जो क्वेश्चन है वो ये खुद है जो कई बार आया हुआ है। बस इसी से संतुष्ट रहें, ज़्यादा उपनिषदों को डिटेल में, पुराणों को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा है कि यम नचिकेत जो संवाद है वो कठोपनिषद में दिया गया, इसका आंसर जो है सी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली आया है इसलिए मैंने आपको बताया, यहाँ पे कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद को द सीक्रेट ऑफ डेथ भी कहा जाता है, मतलब कहा जाता है कि इसी उपनिषद में मृत्यु और जीवन के जो राज हैं, जो ज्ञान है, वो बताया गया है। दरअसल यम नचिकेत संवाद के जरिए ऐसा बताया गया है। अगर आप कभी पढ़ें फुर्सत में, अभी नहीं फुर्सत में आया तो आप पढ़ेंगे कि कठोपनिषद में ये बताया गया है कि नचिकेत नाम का एक बालक होता है जिसके पिता जो हैं कुछ बूढ़ी गायों को ब्राह्मणों को दान में देते रहते हैं। तब जो नचिकेत है वो अपने पिता को कहता है कि आप मुझे कब किसको दान में देंगे, तो उसके पिता उस पर क्रोधित होते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुझे यमराज को दान में दे दूंगा। जब वो ऐसा कहते हैं तब वो यज्ञ कर रहे होते हैं, इस वजह से उन्हें नचिकेत को यमराज को दान में देना ही पड़ता है। ऐसे में फिर नचिकेत जो है वो यमराज के पास पहुंचते हैं और कुछ वक्त तक यमराज वहां आते नहीं, तो नचिकेत जो है उसकी गेट पे ही बैठे रहते हैं यम लोग के। फिर जब यमराज आते हैं तो वो देखते हैं कि मेरी प्रतीक्षा में ये बालक इतने दिनों तक बैठा था, तो उसे खुश होकर वरदान मांगते हैं, वरदान मांगने कहते हैं उसे। बदले में नचिकेत कुछ बातें, कुछ रहस्य उनसे पूछता है कि क्या देवी देवता अजर अमर हैं, पूछता है कि जीवन और मृत्यु के रहस्य क्या हैं। ये सारी बातें नचिकेत यम से पूछता और यम उसे वो ज्ञान देते हैं।
तो ये यम और नचिकेत का जो संवाद है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी से काफ़ी सारी चीज़ें मृत्यु का रहस्य, जीवन का रहस्य उपनिषदों के माध्यम से बताया गया है, और ये सारी चीज़ें कठोपनिषद में है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा है जो सीक्रेट ऑफ डेथ कौन से उपनिषद में है, तो उसका भी आंसर कठोपनिषद में। ठीक है, तो ऐसे ही और उपनिषद पुराणों पर आप, वैदिक साहित्यों पर आप एमसीक्यू सॉल्व करिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा डिटेल में सारे आपको याद करने, एमसीक्यू से जितने आपके क्वेश्चन सामने आते हैं उतने में संतुष्ट रहें। फाइन, चलिए क्वेश्चन 3। बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, बोगस कोई पहली बात तो क्या है, बोगस कोई एक अभिलेख है, इट इज़ एन इंस्क्रिप्शन, इसे एशिया माइनर का इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। ये जो हमारा मध्य एशिया वाला रीजन है, टर्की के पास वाला, वहाँ पर 14वीं शताब्दी में ये बोगज कोई नाम का एक अभिलेख मिला था। ठीक है, एशिया माइनर का अभिलेख या बोगज कोई अभिलेख, ठीक, ये 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख है, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इंडिया की हिस्ट्री के सोर्स हमको मिलते हैं। अब क्या मिलते हैं वो ऑप्शन दे के आपको बताना है। ये मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं एवं का नाम उल्लेखित है। वेदों के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, मध्य एशिया और तिब्बत यहाँ तक तो ठीक है, पर यहाँ का एक व्यापारिक केंद्र है ये बात गलत है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता। वेदों के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, ये भी गलत बात है। वेदों के मूल ग्रंथों की रचना तो देवकृत मानी जाती है और पौरुषीय मानी जाती, तो यहाँ हुई थी, ये भी गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट को देखिए, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं के नाम उल्लेखित हैं, ये एक्चुअली करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है, आंसर होगा बी। इस 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में हमें इंद्र वरुण जैसे ऋग्वेदिक काल की कुछ देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिससे हमको ये पता चलता है। अगर आप इस बोगज कोई अभिलेख की एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे तो ईरान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर यह अभिलेख हमें 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिला था, और वहाँ के अभिलेख में भारत के देवी देवताओं का उल्लेख मिलने का मतलब ये माना जाता है कि जो आर्य भारत में आए थे वो ईरान से होकर आए थे। जो हम कहते हैं ना कि मध्य एशिया वाली थ्योरी है मैक्स मुलर की, कि आर्य भारत से मध्य एशिया से होकर आए थे, तो ये बोगज कोई अभिलेख कहीं ना कहीं उस थ्योरी को प्रूव करती है कि उसी तरफ से होते हुए आर्य जो हैं वो भारत में आए थे, तभी तो वहाँ के अभिलेखों में भारतीय ऋग्वेदिक कालीन देवताओं का उल्लेख है। ठीक है, तो बोगज कोई अभिलेख ऋग्वेदिक काल से संबंधित इंपॉर्टेंट अभिलेख ईरान में, याद रखिएगा, तो इसका आंसर होगा बी, देवी देवताओं के नामों का उल्लेख है। ठीक है, चलिए ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में आप कीवर्ड्स देख के समझ गए होंगे कि गुप्त काल से है, गुप्त एरा, और समुद्रगुप्त के ऊपर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन जो है, निम्न कथनों पर विचार करिए, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है, और ऑप्शंस में आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन है, यानी मल्टीपल स्टेटमेंट और ऑप्शन भी आपके कॉम्बिनेशन वाले हैं। तो चलिए, समुद्रगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट गुप्त राजा था, पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 9 राज्यों को पराजित किया। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 12 राज्यों को पराजित किया। समुद्रगुप्त ने विंध्य क्षेत्र के 8वें राज्यों को पराजित किया। इंडिविजुअली पहले तो ये देखें कि स्टेटमेंट सही है कि गलत। पहला स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं, ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट सही है क्या? ये भी गलत है। और तीसरा स्टेटमेंट, ये सही है। मतलब फर्स्ट और सेकंड गलत है, थर्ड सही है। आंसर होगा सी, केवल 3 सही हैं। मतलब सिर्फ ये बात समुद्रगुप्त से संबंधित सही है कि इन्होंने विंध्य क्षेत्र के 8वें राज्यों को पराजित किया। ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, पहले दोनों गलत। जबकि जब आपने पढ़ने शुरू किए होंगे तो आपको पहले दोनों तो सही लग रहे होंगे, क्योंकि हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं कि पहला गुप्त वंशीय राजा था जिसने दक्षिण भारत में अभियान चलाया था। उत्तर भारत के अभियान भी हम पढ़ते हैं, आपको याद है हमने ग्रहण मोक्षानुग्रह या फिर आर्यव्रत राज प्रसभोदरण की नीति पढ़ी थी, दिग्विजय धर्म विजय की बात एक पढ़ी थी, वो सब समुद्रगुप्त के उत्तर और दक्षिण भारत से संबंधित अभियान है।
तो जब इतना कुछ उनके उत्तर दक्षिण भारत अभियान के बारे में पढ़ा जाता है तो पहला दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि उत्तर भारत में 12 राज्यों को उन्होंने पराजित किया था और उत्तर भारत में 12 नहीं 9 राज्यों को पराजित किया था। ये उल्टा आंकड़ा लिखा है। दरअसल समुद्रगुप्त के विजय अभियान, जिनका उल्लेख आपको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है, हम सभी जानते हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में मैक्सिमम बातें हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलती हैं, जो उनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के युद्ध अभियान के 4 चरण आते हैं। जो पहला चरण है उसमें वो उत्तर भारत के 9 राज्यों पर अभियान चलाते हैं, जिसमें वो साम्राज्य विस्तार करना चाहते हैं और इन 9 राज्यों को जीतकर वो दिग्विजय कहलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया। इस अभियान को आर्यव्रत राज प्रसबोधरण या दिग्विजय भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा जो चरण था उसमें उन्होंने नॉर्थ वेस्ट, यानी जो पंजाब वाला क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है भारत का, वहाँ के जो सीमांत राज्य हैं, ख़ास तौर पे वहाँ के जो गणतंत्र थे, उन पर अभियान चलाया था। तो पहले वाले फेज़ में, पहले चरण में उत्तर भारत के 9 राज्यों को पराजित किया, दिग्विजय कहते हैं हम इसे। दूसरे चरण में उत्तर पश्चिमी यानी पंजाब वाले क्षेत्र के गणतंत्रों को पराजित किया। जो तीसरा चरण था ना, उसमें उन्होंने उस विंध्य क्षेत्र के आटविक राज्यों को पराजित किया था, यानी कुछ ट्राइबल ये किंगडम्स थे जिनको इन्होंने पराजित किया था विंध्याचल पर्वत के तरफ के। और जो चौथा और अंतिम अभियान था इनका, यही सबसे इम्पॉर्टेंट अभियान था, वो था साउथ का, जिसमें उन्होंने 12 दक्षिण भारत के राज्यों को पराजित किया था, जिसे हम ग्रहण मोक्षानुग्रह कहते हैं। इस अभियान को हम ग्रहण मोक्षानुग्रह कहते हैं, क्योंकि ये जो लास्ट वाला इनका अभियान था दक्षिण भारत का, उसमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार ये कहा गया कि इन 12 राज्यों को जीतकर समुद्रगुप्त ने उन्हें वापस लौटा दिया था, इस वजह से इसे दिग्विजय ने कहकर धर्म विजय कहा जाता है। और उन्होंने राज्यों को ग्रहण किया, उन्हें मुक्त किया और वहाँ के राजाओं को वापस दे दिया, सिर्फ अपने वर्चस्व को स्थापित करना, यही उद्देश्य था समुद्रगुप्त का दक्षिण अभियान का। तो ये जो चौथा वाला चरण है, ये धर्म विजय का चरण है, ये ग्रहण मोक्षानुग्रह का चरण है और यही सबसे इंपॉर्टेंट विजय अभियान समुद्रगुप्त का था, अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है। तो उत्तर भारत के 9 राज्यों वाला दिग्विजय और दक्षिण भारत के 12 राज्य वाला धर्म विजय, ठीक। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। हालांकि ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर अगर डिटेल में आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है उस पर भी ऐसा आ सकता है, क्योंकि समुद्रगुप्त इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट किंग, ठीक। तो यहाँ पर ऐसा है कि उत्तर भारत के 9 दक्षिण भारत के 12, जो चीज़ यहाँ पर उल्टी लिखी हुई है, इसलिए पहले दूसरे स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ध्यान रहे, ग्रहण मोक्षानुग्रह क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में जिसने 12 राज्यों को हराया था, वही ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति, क्लियर। और इस अभिलेख में ये सारी बातें हमको पता चलती हैं, ठीक। तो आंसर होगा सी, केवल 3 सही है। तीसरे चरण में आटविक राज्यों को हराया था, बाकी पहला दूसरा गलत, फाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में मूव ऑन करते हैं। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ये बड़ा फेमस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगी, फेमस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप अक्सर ऐसे कोई ना कोई सिद्धांत पढ़ते होंगे, शिक्षाएं या डॉक्ट्रिन्स पढ़ते होंगे, जिसमें क्वेश्चंस आते हैं कि ये जैन धर्म का है, कि बौद्ध धर्म का है, कि लोकायत धर्म का है, कि हिंदू धर्म का है। आप रिपीटेडली ये क्वेश्चंस देख रहे होंगे, त्रिरत्न वाला क्वेश्चन पूछा था, मध्यम प्रतिपदा वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ये क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं कि कौन से धर्म से रिलेटेड है, ठीक। तो वैसे ही उसी कड़ी में मैंने आपको क्वेश्चन डाला है, ताकि आप इस सेक्शन को भी ध्यान दें। अणुव्रत नास्तिक दर्शन में से कौन से संप्रदाय की सीख है, बताएं भाई? महायान बौद्ध, हीनयान बौद्ध, जैन धर्म या लोकायत? आंसर है जैन धर्म, सी। दरअसल अणुव्रत जो है ये पंच महाव्रत को ही कहा जाता है। याद है हमने जैन धर्म में पंच महाव्रत पढ़ा था,
क्या क्या था? असत्य, अमृषा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, है ना। सॉरी असत्य कह रही हूँ, अहिंसा, अमृषा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये पंच महाव्रत जैन फिलोसफी में पढ़ते हैं, जिसमें से चार पार्श्वनाथ ने दिए और आखिरी वाली महावीर स्वामी ने दिया था। तो ये पंच महाव्रतों को अगर बहुत ही कड़ी नियम कायदे कानून के साथ फॉलो किया जाए तो वो पंच महाव्रत या महाव्रत कहलाते हैं, जो कि जैन धर्म में वही लोग कर पाते हैं जिन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर संत बनने का फैसला लिया। क्योंकि ये पांचों चीज़ें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना एक आम इंसान के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर यही पांचों चीज़ों को थोड़ा सा इजी बना दिया जाए, अगर इन पांचों ही व्रत यानी फाइव वाउस को थोड़ा सा आम इंसान के लिए इजी कर दिया जाए तो इन्हीं को अनुव्रत कहा जाता है। तो ध्यान रहे, पंच महाव्रत अगर बहुत टफ हो तो उसे महाव्रत कहते हैं, और उसे अगर ईजी बना दिया जाए तो उसे अणुव्रत कहते हैं। अणुव्रतों को पालन अणुव्रतों का जो पालन है वो जो जैन धर्म के जुड़े आम लोग हैं, जो संन्यास नहीं लिए, जो संत नहीं बने, जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं, उनके लिए है। तो ये फाइव वाउज ऑफ जैनिज्म को ही हम अणुव्रत बोलते हैं, लेकिन ये उसका थोड़ा सा ईजी फॉर्म है आम लोगों के लिए। समझ में आई बात? ठीक है, तो टफ फॉर्म महाव्रत, इजी फॉर्म अणुव्रत, तो जैन धर्म की फिलॉसफी है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म जितने भी पढ़े थे ज़रूर पढ़ लें, उसे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, करेक्टली मैच्ड कौन सा है इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है? हड़प्पा सभ्यता, चित्रित दूसर मृदभांड, कुषाण, गांधार कला शैली, मुगल, अजंता चित्रकारी, मराठा पहाड़ी चित्र शैली। देखिए ऐसे क्वेश्चंस देख के आपको लगता है मैम ये तो आर्ट एंड कल्चर के, देखो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं बस ऐसे वाले। ये वाला आपको लगेगा कि मैम ये फिलॉसफी का है, मैं मानती हूँ फिलॉसफी के 3 क्वेश्चंस आते हैं, चीज़ें ली भी जाएंगी, पढ़ाई भी जाएंगी आपको, बट बहुत कुछ तो आपने जो हिस्ट्री में पढ़ा ना उसी से ही रिलेटेड है। चित्र शैली, चित्रकला शैली हो, चाहे स्थापत्य कला हो, चाहे मूर्ति कला हो, ठीक है, ये सब किस में आपने पढ़ा है? आपने मुगल काल में पढ़ा, आपने गुप्त काल में पढ़ा, आपने मौर्य काल में पढ़ा। अगर उन्हीं चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो अगर उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देता है कि हम आर्ट एंड कल्चर के अंडर दे रहे हैं तब भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वैसे ही इन चीज़ों को आप अगर फिलॉसफी के अंडर डालें तो भी आ जाएगा, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ें तब भी ऐसे वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, भले वो फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ना दिया हो। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो फिलॉसफी आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, चीज़ें पढ़ाई ज़रूर जाएंगी आपको, मिल भी जाएंगी उसकी से रिलेटेड चीज़ें, लेकिन आधी चीज़ जो है आर्ट एंड कल्चर फिलॉसफी की वो तो हिस्ट्री में कवर हो जाती है। आप चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। ठीक है, अनलेस एंड टिल आप अलग सा जो एग्जैक्टली उनका जो टॉपिक है उसको छोड़ करके कुछ तो हिस्ट्री में कवर हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी आर्ट से रिलेटेड है, कला से संबंधित है, कुछ आपकी जो मृदभांड यानी कि पॉटरी की कला है उससे रिलेटेड है, और चित्रकला से संबंधित है, मूर्तिकला से संबंधित मैचेस दिए हुए हैं। मूर्तिकला, चित्रकला और पॉटरी यानी मृदभांड जो कला होती है उससे रिलेटेड कुछ मैचेस दिए हैं, और आपको बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, चित्रित दूसर मृदभांड जो इंग्लिश वाले हैं इसको हम PGW बोलते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर, ये जो चित्रित दूसर मृदभांड है दिस इज पेंटेड ग्रे वेयर। कुषाण, गांधार कला शैली, इंग्लिश में भी सेम है। मुगल, अजंता चित्रकारी, इंग्लिश में भी सेम है। मराठा, पहाड़ी चित्र शैली, सेम है। ठीक है, तो इनमें कौन सा सही सुमेलित है एक एक करके देखते हैं। हड़प्पा पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर ऐसा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है उस वक्त जो हमें पॉटरी मिली उसे हम गैरिक मृदभांड कहते हैं। गैरिक मृदभांड मतलब इंग्लिश में हम कहते हैं OCP, ओकर कलर्ड पॉटरी। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि ताम्रकास युगीन सभ्यता थी उस समय की सभ्यता को हम OCP कल्चर या OCP संस्कृति कहते हैं, हिंदी में गैरिक संस्कृति कहते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता इस समय जिसको हम ताम्रकास युग कहते हैं, इस वक्त हमें जो मृदभांड मिले, जो पॉटरी मिले, वो जो छुई मिट्टी का जैसा कलर होता है, ओकर कलर इंग्लिश में बोलते हैं,
वैसी कलर के पॉटरी मिली। इस वजह से इस सभ्यता को हम ओसीपी संस्कृति, गैरिक संस्कृति या ओकर कलर्ड पॉटरी संस्कृति बोलते हैं। ठीक है, ठीक, पीजीडब्ल्यू नहीं बोलते। एक्चुअली में हड़प्पा सभ्यता के बाद जब वैदिक काल आया, उस वक्त जब लौह युग आया, लौह युग के प्रारंभ में हमको पेंटेड ग्रे वेयर्स मिलते हैं, यानी चित्रित धूसर मृदभांड, धूसर कलर यानी ग्रे कलर की पॉट्स होते थे जिसमें काले कलर से चित्रकारी बनाई जाती थी। तो ये जो संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड, ये लौह युग की है, यानी वैदिक काल की तरफ टाइम की है, ना कि हड़प्पा। तो इस तरह से ये गलत है, ध्यान रखना। ओसीपी कल्चर सिंधु घाटी सभ्यता, पीजीडब्ल्यू कल्चर आयरन एज यानी कि ऋग्वैदिक सभ्यता, सॉरी उत्तर वैदिक सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, ठीक, यानी ये ताम्रकास युगीन सभ्यता को ओसीपी कहते हैं हम, और लौह युग को हम पीजीडब्ल्यू कहते हैं। ताम्रकास युगीन को गैरिक सभ्यता कहा जाता है और लौह युग को चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता है। नहीं समझ में आया, मैंने 3-4 बार रिपीट किया इसको, अभी थोड़ा सा रिवर्स जाकर देखो क्या बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो पहले ओसीपी कल्चर आया, फिर पीजीडब्ल्यू कल्चर आया, क्योंकि पहले सिंधु घाटी सभ्यता आया, फिर लौह युग आया। ठीक, तो इस तरह से गलत मैच्ड है, क्योंकि चित्र दूसर मृदभांड लौह युग को बोलते हैं, हड़प्पा को ओसीपी कहते हैं। कुषाण गांधार कला शैली, ये सही है कि गलत? ये सही है, एक्चुअली आंसर इज बी, सही आंसर जो है वो बी है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कुषाण वंश के दौरान जब कनिष्क राजा था, उस समय भारत में दो इम्पॉर्टेंट जो कला शैली है, मूर्ति कला शैली, वो फेमस हुई थी, एक गांधार कला शैली और दूसरी मथुरा कला शैली। आप कनिष्क वाले मेरे लेक्चर को रेफर करिए, आप उसमें जान जाएंगे कि ये दोनों क्यों इम्पॉर्टेंट थी, क्या इसमें डिफरेंस था। ठीक है, जो मथुरा कला शैली थी वो सफ़ेद पत्थरों से ज़्यादातर उसका इस्तेमाल होता था, और गांधार कला शैली जो है इसमें काले पत्थरों का इस्तेमाल होता था। ये अफगानिस्तान की तरफ की गांधार वाले रीजन की कला शैली थी। ये दोनों को ही काफ़ी कुछ कनिष्क ने प्रमोट करवाया था, क्योंकि कनिष्क की एक राजधानी पुरुषपुर थी, दूसरी मथुरा, तो दोनों ही तरफ ही मूर्तिकला शैली को कनिष्क ने प्रमोट करवाया था। तो ध्यान रहे कि गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली दोनों कुषाण युगीन, कनिष्क युगीन है। ठीक है, तो ये सही है, बाकी दोनों गलत है। अजंता की चित्रकारी, ये तो भाई प्राचीन भारत के चित्रकारी है, हमने पढ़ा है प्राचीन भारत में कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो शुंगकालीन और गुप्तकालीन है, तो उसके अंदर जो भी चित्रकारी आपको मिलेगी वो उसी समय की मिलेगी, ना कि मुगल काल की। और ऐसी पहाड़ी चित्र शैली, ये 17वीं से 19वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की पहाड़ी चित्र शैली है। पहाड़ी का मतलब ज़्यादातर इस चित्र शैली जो है आपको ये कुमायूं के पहाड़ या हिमालय के पहाड़ में मिलेगी, तो ये हिमालयन चित्र शैली है। अगर ये हिमालय के रीजन्स में, वहाँ की डायनेस्टीज में चित्र शैली फेमस थी, तो मराठों से रिलेटेड कैसी हो सकती है? तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, पहाड़ी चित्र शैली हिमालय वाले रीजन में जो भी लोकल डायनेस्टीज थी उनके समय में, उन राजाओं के संरक्षण में विकसित हुई। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि ये शुंग और गुप्तकालीन है, ये भी गलत है, और पहला वाला भी गलत है, आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर, तो ऐसे ही आपने जितना पढ़ अगर लिया हो पूरा, अगर हिस्ट्री को मेन टॉपिक्स को पढ़ लिया हो, तो आर्ट, कल्चर, कंस्ट्रक्शन, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर, इन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए, ये पूरे फैक्ट्स हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ से मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। आपको अगेन मैच द फॉलोइंग करना है, और ये जो मैच द फॉलोइंग है इसमें एक तरफ राज्यों के नाम और दूसरी तरफ राजाओं के नाम है। रणथंबोर, चित्तौड़, देवगिरी, गुजरात, कर्णदेव, राजा राय रामचंद्र देव, हमीर देव, राणा रतन सिंह। नाम देख के पहले तो ये ध्यान रखें कि कौन से टाइम का, किस हिस्ट्री के हिस्से से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास बता रही हूँ मैं, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम शासकों के बारे में। क्वेश्चन अचानक आ जाएगा जिसमें सारे हिंदू शासक आएंगे, तो इंसान के दिमाग में सबसे पहले ये तो क्लिक नहीं करता कि ये कहाँ से पूछा है। आप हमीर देव, कर्ण देव को देख सुनकर ऐसा लगेगा कि यार प्राचीन भारत के कौन से वंश, कब के राजा हैं,
पर एकाध कोई ना कोई ऐसा क्लू आपको मिल जाता है क्वेश्चन में जिसे आप समझ पाते हैं कि ये कहाँ से पूछा है। राजा रतन सिंह, ये देख के आपको समझ में आ गया होगा कि एक तरफ राजा रतन सिंह, एक तरफ चित्तौड़ है, तो जाहिर सी बात है ये तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो उसके विजय अभियान है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहले उत्तर पश्चिमी भारत फिर दक्षिण भारत में विजय अभियान चलाए। लगातार सन 1299 से लेकर 1311 तक हम देखते हैं कि हर एक साल की आड़ में अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध अभियान चलते हैं, और मैंने पूरे एक चार्ट के ज़रिए आपको उन युद्ध अभियानों के ईयर्स, उसके नेतृत्वकर्ता और जिन जिन एरियाज़ में उन्होंने युद्ध अभियान चलाए वहाँ के राजाओं के नाम बताए थे, और वहीं कहा था कि उसे ज़रूर याद कर लेना, अक्सर पूछते हैं और ये देखिए कोई एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो विजय अभियान चलाए थे उनमें देखो रणथंबोर, चित्तौड़, गुजरात, चार में से तीन तो हमको उत्तर पश्चिम भारत के ही दिख रहे हैं, तो हम उसे रिकॉल करते हैं फिर आंसर में जाएंगे। तो ऐसा है कि आपको याद होगा उत्तर पश्चिम भारत ने मैंने एक एक साल के आड़ में बताया था कि 1299, 1301, 1303 है ना, 1305 ऐसा करके पढ़ा था हमने। तो 1299 में सबसे पहले उन्होंने गुजरात अभियान चलाया, 1301 जो है उसमें उन्होंने रणथंबोर अभियान चलाया, 1303 में उन्होंने चित्तौड़ अभियान चलाया, 1305 में मालवा अभियान चलाया, ऐसा पढ़ा था हमने। ठीक है, टेबल को याद करिए। तो गुजरात अभियान जो है उस अभियान में राजा कर्णदेव को हराया था अलाउद्दीन खिलजी ने, रणथंबोर अभियान में राजा हमीर देव को हराया था अलाउद्दीन खिलजी ने, चित्तौड़ अभियान तो सबको पता है रतन सिंह को हराया था, और मालवा अभियान मेहलक देव को हराया था। ठीक, तो अगर अपना भी याद रख लोगे तो आंसर बन जाएगा। मतलब ये है कि गुजरात कर्णदेव, रणथंबोर हमीर देव, चित्तौड़ रतन देव। तो भाई देखो रणथंबोर हमीर देव यानी थर्ड, चित्तौड़ रतन सिंह यानी फोर्थ, गुजरात कर्णदेव यानी तीन चार एक वाला कोई सा ऑप्शन है क्या? देखो 3-4-1 यानी ऑप्शन डी। मतलब इतना भी आपको नॉलेज होगी चार में से तीन फैक्ट की तो भी आप आंसर निकाल लोगे, ऑप्शन डी इज द आंसर। रही बात देवगिरी की जिसका होगा आपका ऑप्शन टू, भाई अगर आपको दक्षिण के अभियान याद होंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले दक्षिण अभियान जैसे 1305 के बाद 1307 में उन्होंने देवगिरी पर ही चलाया था, और देवगिरी में वहां के राजा थे रामचंद्र देव। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप नॉर्थ वेस्ट और साउथ के अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों को याद करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, और ज़रूर याद करिएगा अलाउद्दीन खिलजी इटसेल्फ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एंटायर दिल्ली सल्तनत टॉपिक। दिल्ली सल्तनत में दो तीन ही राजा सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा फिरोज शाह तुगलक, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक है। तो उनके टाइम पीरियड को तो अच्छे से पढ़ेंगे ही, क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको समझ में आया, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 8 में मूव ऑन करते हैं। ये कथन कारण वाला प्रश्न है, स्टेटमेंट और रीज़न वाला। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको पहले ही बताई हूँ कि एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, दूसरा रीज़न के तौर पर एक स्टेटमेंट दिया रहेगा। पहले इंडिविजुअली एक एक स्टेटमेंट को जांचें कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत, फिर अगर दोनों सही आते हैं तो आपको ये देखना है कि दूसरा वाला स्टेटमेंट पहले वाले स्टेटमेंट का कारण है कि नहीं, ने पहला स्टेटमेंट में जो इफेक्ट है उसका रीज़न सेकेंड वाला स्टेटमेंट है या नहीं, दूसरा वाला पहले की व्याख्या करता है या नहीं। बता चुकी हूँ इस चीज़ को आपको मैंने, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट है मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। प्रतीक मुद्रा, ठीक है, टोकन करेंसी, हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक की टोकन करेंसी वाली पॉलिसी को। हम जानते हैं ना कि मोहम्मद बिन तुगलक को इल स्टार्ड आइडियलिस्ट यानी अभागा आदर्शवादी कहा जाता है, जिसके पीछे की वजह उनकी बहुत सारी विफल योजनाएं हैं। हमने चार ऐसी योजनाएं पढ़ी थी, राजधानी परिवर्तन, कराचिल अभियान, दुआब क्षेत्र में करों की वृद्धि और टोकन करेंसी, प्रतीक मुद्रा या फिर सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी उन्होंने करवाया था और उसमें वो विफल रहे थे, ये बात सही है। तो इस हिसाब से जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि प्रतीक मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी की योजना इनकी असफल रही थी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है
मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। मतलब उन्होंने ये जो प्रतीक मुद्रा बनाई थी उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था, उसको जो उन्होंने राज्य में स्प्रेड किया था, सर्कुलेट किया था, वो सही नहीं था। क्या ये कारण था? लोग अभी थोड़े से डिस्टर्ब होंगे, बोलेंगे कि मैम वो तो ऐसा था कि कांसे की मुद्राएं थी, चांदी की मुद्राएं थी, लोगों ने धोखा दिया और उसके वजह से असफल रहा। हमने पढ़ा भी यही कि लोगों ने घर घर में टकसाल खोल लिए थे, कांसे की मुद्राओं को गला कर रख लेते थे, फिर से मुद्राओं में ढाल लेते थे, इस वजह से असफल रही। तो कारण गलत है, पर ऐसा नहीं है। देखो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जो लोगों ने किया वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था प्रतीक मुद्रा वाली योजना का असफल होने का, पर अगर राजा ने मुद्रा का सर्कुलेशन बहुत अच्छे नियम कायदे कानूनों के तहत किया रहता, मुद्रा के ऊपर जितने भी आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, मुद्रा ढलाई का जो भी तरीका है उसे सही तरीके से किया रहता, तो ऐसी फोर्जरी उस वक्त नहीं हुई रहती। देखो कहीं ना कहीं अगर घपलेबाजी होती है, कोई फोर्जरी होती है, लोगों ने अगर इस मुद्रा प्रतीक मुद्रा का गलत फ़ायदा उठाया, तो उसकी बड़ी वजह ये थी कि मोहम्मद बिन तुगलक खुद असफल था उसे सही तरीके से सर्कुलेट करने में। ठीक है, चांदी की मुद्रा की जगह जब उसने कांसे की मुद्रा चलाया सांकेतिक मुद्रा के तौर पे, तो कांसे की मुद्रा का मिसयूज़ ना हो ये भी उसे पहले से अंदेशा होना चाहिए था। तो सर्कुलेशन के नियम कायदे कानून उसे सही से बनाने चाहिए थे, तब ये चीज़ नहीं होती। कुछ उसमें ऐसे मार्क्स होने चाहिए थे, कुछ ऐसी उसकी ढलाई होनी चाहिए थी कि आम इंसान द्वारा उसे बना पाना मुश्किल या नामुमकिन होता। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी आपको उसमें नियम कायदे कानून नहीं दिखते। तो मुद्रा का जो सर्कुलेशन उसने करवाया उसमें ढिलाई ज़रूर थी, तो राजा की तरफ से ये कमी थी, तो ये स्टेटमेंट सही है। और बिल्कुल इसी वजह से उसकी योजना सफल हुई, आप इसको भी लिंक कर सकते हैं। अगर उसका निर्गमन उसने सही तरीके से करवाया रहता तो शायद योजना सफल रहती, बाद में तो रही ना सफल। जितने भी आप दुनिया में एज करेंसी देखते हैं सब टोकन करेंसी सफल है, क्योंकि आप देखते हैं कितने ज़्यादा बारीकियों से उसको ऑथेंटिक या फिर ओरिजिनलिटी को मेंटेन करने के लिए उसमें कितना काम होता है ताकि उसको कोई इजीली कॉपी ना कर सके। वैसा कुछ किया होता तो शायद उस वक्त पे नहीं होती फोर्जरी। ठीक है, तो पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, और दूसरा पहले की सही सही व्याख्या करता है, और ऑप्शन ए इस वजह से इसका सही आंसर है। दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। क्लियर है, समझ में आई बात? दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही और सेकंड इज द रीजन ऑफ फर्स्ट। क्लियर, और ऐसे क्वेश्चन कथन कारण वाले आप जरूर सॉल्व करें। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन एक मैच द फॉलोइंग है। मैंने हमेशा कहा कि हिस्ट्री में आपको मैच द फॉलोइंग काफ़ी मिलेंगे, हर सेक्शन से मिलेंगे। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है और ये दिल्ली सल्तनत के वक्त, और आप कह सकते इवन शेरशाह सूरी के प्रशासन के वक्त भी जो डिपार्टमेंट्स थे उनके उर्दू नेम्स और इधर उनके मीनिंग्स दिए गए। दिल्ली सल्तनत के वक्त भी मिलेंगे आपको, इवन शेरशाह सूरी के समय भी यही चार इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे। और मैंने आपको पढ़ाते वक्त कहा था दिल्ली सल्तनत में कि कुछ तो विभाग हैं जो हमने दिल्ली सुल्तानों को पढ़ते वही पढ़ लिए थे, उनको तो याद रखे ही। साथ ही पूरी लिस्ट जो आती है दिल्ली सल्तनत के समय के विभागों की उसे भी याद रखें। ठीक है, तो हमने पढ़ा था, याद है बलबन के समय दीवाने अरज बना, उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के समय दीवाने मुस्तखराज और बरीद बना, उसके अलावा बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम दीवाने अमीर को ही बना, और फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स फिरोजशाह तुगलक के टाइम बने। उन सब के अलावा और पूरी लिस्ट मिलती है आपको PDFs में, वो सारे डिपार्टमेंट्स को आप ज़रूर याद करें, ऐसा मैंने कहा था। और देखें ऐसा क्वेश्चन आता ही रहता है, ये एक लिया हुआ क्वेश्चन है, एक पेपर में आया हुआ था वहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है। कुछ भले ही मैंने उसकी जो मैचिंग है वो बदल दिए हैं, कुछ मैंने उसका कंटेंट बदल दिया है, ठीक है, ताकि अगर आपने सॉल्व किया थोड़ा सा नया हो आपके लिए, ठीक। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपको पूरी लिस्ट याद रखनी, वो डायरेक्ट भी पूछ सकता है कौन से शासक ने शुरू किया क्या मतलब, और मैच द फॉलोइंग भी दे सकता है। तो देखिए, दीवाने अरज, दीवाने रिसालत, दीवाने इंशा, दीवाने वजारत, ये चार हैं, और धार्मिक मुद्दों से संबंधित यानी रिलीजन से रिलेटेड, सरकारी पत्र व्यवहार यानी रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस से रिलेटेड, वित्तीय मामलात यानी कि फिनेंस से रिलेटेड,
और सेना विभाग यानी मिलिट्री, ये फाइनेंस, कौन सा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कौन सा मिलिट्री डिपार्टमेंट है, कौन सा रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस है, रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, और कौन सा रिलीजन से रिलेटेड विभाग है, आपको मैच करना है। तो मेरे ख्याल से आपके लिए सबसे इजी तो दीवान अरज ही जा रहा होगा, क्योंकि सबसे पहला बना था ये, और हम जानते हैं कि ये एक सैन्य विभाग था जो बलबन ने बनाया था, तो ये तो पक्की बात है कि दीवान अरज मतलब सैन्य विभाग। और अगर आप ऑप्शन में देखें तो शायद आपको आंसर भी इसे एक ही से मिल जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ईजी कर दिया, वरना अगर दूसरी जगह पे आपको ऐसा फोर मिलता तो थोड़ा सा और आगे देखना पड़ता। बहरहाल बाकी भी देख लेते हैं। दीवान रिसालत जो है वन, यानी कि ये रिलीजन धर्म से जुड़ा आपका एक विभाग था। दीवान इंशा जो है ये सरकारी पत्राचार, पत्र व्यवहार जो होता है, रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, उससे रिलेटेड एक विभाग था। और दीवान वजारत जो है, वजारत जो है एक्चुअली में एक सामान्य प्रशासन विभाग है, दो तरह के इसमें वजीर आ करते थे, ये जो वजीर होते थे वो एक्चुअली सामान्य प्रशासनिक हेड होते थे और ये वित्तीय मामलों को भी संभालते थे। तो जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वाला विभाग था सामान्य प्रशासन वाला, तो सामान्य प्रशासन के साथ साथ वित्तीय मामले भी वही डिपार्टमेंट हैंडल करता था। ठीक है, तो सामान्य प्रशासन आए तब भी वजारत है और फिनेंस आए तब भी वजारत है। ठीक है, और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि इनके हेड्स को क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अरीज़ ममालिक, ममालिक एक वर्ड लगा दीजिए तो ईजी हो जाता है, जैसे अरीज़ ममालिक। ठीक है, उसके अलावा अरीज़ रिसालत, अरीज़ इंशा और दीवान वज़ीर का हेड वज़ीर। क्या बोल रही हूँ मैं, जिनको नहीं समझ में आया फिर से सुने, ये डिपार्टमेंट्स, ये उनका मतलब, और जो मैं आपको बता रही थी वो इनके प्रमुखों के नाम, जैसे सामान्य प्रशासन विभाग है दीवान वजारत, तो इसके हेड का नाम होगा, उस अधिकारी का नाम होगा, उस मंत्री का नाम होगा वज़ीर। दीवान वजारत को हेड करता है वज़ीर। ठीक है, वैसे दीवान इंशा को हेड करता है ममालिक इंशा, उसके अलावा दीवान रिसालत को हेड करता है ममालिक सॉरी रिसालत, और दीवान अरस को आरीज़ ममालिक, या तो आरीज़ ममालिक होगा या रिसालत ममालिक होगा। ममालिक वर्ड आप याद रखेंगे और डिपार्टमेंट का नाम याद रखेंगे तो ईजी जाएगा। ठीक है, हेड्स का नाम नहीं भी याद होता तो एटलीस्ट वो कम से कम 10-12 डिपार्टमेंट्स और सामने में कि वो कौन से विभाग थे ज़रूर याद कर लीजिएगा। जैसे दीवान मुस्तखराज जो है, उसके अलावा आपका दीवान अमीर को ही जो है वो सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो यही चार ना एक्चुअली में शेरशाह सूरी के टाइम पे भी थे। शेरशाह सूरी के टाइम वजारत वाला डिपार्टमेंट फाइनेंस भी हैंडल करता था। ठीक, चलो, तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया और समझ में आया सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 था, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10 पे मूव ऑन करते हैं। अगेन ये स्टेटमेंट असर्शन है। स्टेटमेंट है, अकबर ने सन 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। रीज़न है, यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में किया। बताएं क्या होगा आंसर। पहला स्टेटमेंट सही है क्या? जी हाँ, कुछ लोग 1602 को देखकर थोड़े असमंजस में होंगे, बाकी इतना तो शायद आपको पता ही होगा कि अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया। इतना तो भाई कॉमन सबको पता है। लोग थोड़े से होंगे कि अगर स्टेटमेंट गलत होगा तो 1602 से संबंधित होगा, तो भाई ये स्टेटमेंट सही है। देखें, भले ही जिस कारण से उसने बुलंद दरवाज़ा बनाया, वो कारण, वो घटना 1572 की है, बट बुलंद दरवाज़ा बनकर तैयार सन 1602 में हुआ। तो 1602 में बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ना, कि अकबर ने यह निर्माण अकबर ने पुत्र जहांगीर के जन्म पर किया, ये स्टेटमेंट ही गलत है। रीज़न के तौर पर ही स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट ही गलत है। जहांगीर के जन्म पर बुलंद दरवाज़ा तो बना ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा है कि कथन ए सही है, कथन आर जो है वो रॉन्ग है। तो ए सही किंतु आर गलत है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप कहेंगे मैम बी होगा कि सी, ये भी तो हो सकता है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन बी एक की सही व्याख्या नहीं करता। लेकिन भाई बी स्टेटमेंट सही है ही नहीं, अपने आप में इंडिविजुअली गलत है। बुलंद दरवाजे का निर्माण जहांगीर के जन्म के वजह से हुआ था, ये स्टेटमेंट ही गलत है।
व्याख्या करने नहीं करने की बात तो बाद में आएगी, तो इस वजह से आपको ऑप्शन सी लेना पड़ेगा। आप कहेंगे कि अगर ये कारण नहीं था तो क्या कारण था, कारण आपको पता होगा अगर आपने अकबर वाला मेरा लेक्चर देखा होगा। मैंने आपको बताया था कि सन 1572 में, अब मैं वापस आती हूँ सन पे जो मैंने बोलकर अधूरा छोड़ दिया था, सन 1572 में अकबर का जो गुजरात अभियान था, गुजरात फतेह जो उसने किया था, मिर्ज़ा अजीज़ कोका को हराया था, और आप जानते हैं कि इतिहास की तीव्रतम अभियानों में ये माना जाता है केवल 10 दिनों में उसने आगरा से जाकर गुजरात अभियान में विजय हासिल की थी। उस गुजरात अभियान या उस गुजरात की विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। तो भले ही हम एक फ्लो में ये पढ़ते हैं कि 1572 में जो गुजरात अभियान था उसमें ये जीता था, इस वजह से बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था, लेकिन गुजरात अभियान में जीता उसका मतलब ये नहीं कि उसी वक्त बनकर तैयार हो गया, नहीं, ये 1602 में बना था, ठीक है। तो रीज़न था गुजरात अभियान में जीत और ये बना था सन 1602 में, ठीक। तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत, क्लियर है। चलिए तो अकबर का टॉपिक अच्छे से पढ़ लें। बताने का मकसद ये था कि अकबर का जितना मैंने एक टाइमलाइन आपको बताई थी उसे अच्छे से पढ़िए, वहाँ से कहीं से भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। चलें क्वेश्चन नंबर 11 में मूव ऑन करते हैं हम। अगेन ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद जो स्थित है उसका निर्माण किसने किया, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने, बताइए भाई किसने किया। दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने किया, आंसर इसका है औरंगजेब, डी औरंगजेब। ये क्वेश्चन लेने का एक मेरा मेन मकसद था, एक तो डायरेक्टली स्थापत्य से क्वेश्चन आते हैं मुगल काल और दिल्ली सल्तनत में, ये तो हम जानते हैं। साथ ही मैंने कुछ दिन पहले आपके एक पेपर में देखा था, मंडी निरीक्षा का पेपर था या संपरीक्षा का पेपर था, आई डू नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली, ऐसा ही कुछ पेपर था उसमें, या इसके अलावा भी और जो पेपर्स हुए थे, व्यापम का ही कोई पेपर था, उसमें ना 3-4 आपके मुगलकालीन स्थापत्य दे दिया था और उसे क्रम से सजाने के लिए कहा था, कौन सा पहले बना कौन सा बाद में बना, शायद उसमें लाल किला भी था, उसमें जामा मस्जिद भी थी, उसमें ताजमहल भी था, उसमें मोती मस्जिद थी, ऐसे 3-4 थे, ठीक है। डू सर्च रीसेंट पेपर्स ऑफ व्यापम, वो दिया था और आप क्रम से सजाने का था, लेकिन उसमें मोती मस्जिद दिया था पर कौन सी मोती मस्जिद ये नहीं बताया था, क्योंकि अब मैं क्यों बता रही हूँ, क्या उस क्वेश्चन में क्लैरिटी इसलिए नहीं थी क्योंकि मोती मस्जिद सिर्फ एक नहीं है, देर आर 7 सच मॉस्क्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान कम्बाइंडली, और इंडिया में भी देखेंगे तो कम से कम 5 तो है ही, एक ही मोती मस्जिद नहीं है। तो क्वेश्चन में ये मेंशन होना चाहिए कि कौन सी मोती मस्जिद, जैसे यहाँ पे मैंने बताया दिल्ली की लाल किले वाली मोती मस्जिद, ठीक है। 7 मोती मस्जिदें हैं भारत में, जिनमें से 4 जो है वो मुग़ल काल के कोई बादशाह नहीं बनाए, मुग़ल बादशाहों ने ही बनाए और अलग अलग जगह पे बनी है, तो अगर क्रम वगैरह से आता है तो क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो जो दिल्ली का लाल किला है ना, वो भले ही शाहजहां ने बनाया, पर दिल्ली के लाल किले के अंदर एक सफ़ेद कलर की मस्जिद है जो औरंगजेब ने अपनी सेकेंड वाइफ नवाब बी के लिए बनाया था। एक सफ़ेद संगमरमर की छोटी सी मस्जिद आपको दीवाने ख़ास दीवाने आम के पास मिलेगी, मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले में, औरंगज़ेब ने औरतों की नमाज़ पढ़ने के लिए भी उसे ओपन रखा था, तो वो औरंगज़ेब ने नवाब बी के लिए बनाया था, ठीक है। उसके अलावा मैंने कहा ना कि टोटल 4 मोती मस्जिदें मुग़ल बादशाहों ने बनाए थे, वैसे तो 7 हैं अलग अलग टाइम के बादशाहों ने बनाए, ठीक है, लेकिन टोटल 4। तो ध्यान रखिए कि सबसे पहले आगरा की मोती मस्जिद, आगरा में जो किला है वहाँ पे एक मोती मस्जिद है, और एक लाहौर में है, लाहौर में मोती मस्जिद, ये दोनों ही मोती मस्जिद है शाहजहां ने बनाया। तो एक तो आगरा की मोती मस्जिद आगरा किले में, दूसरा लाहौर की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनाया। फिर तीसरी जो मस्जिद आपको मिलती है वो ये है दिल्ली की मोती मस्जिद, ठीक है। दिल्ली में भी कौन से, दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद, ये आपको बनाया औरंगजेब ने, ठीक है, ये हमने पढ़ा।
उसके अलावा दिल्ली में ही जो मेहरौली है ना, मेहरौली जहाँ पे कुतुब मीनार है, मेहरौली वहाँ पर भी एक मोती मस्जिद है और उसे भी एक मुग़ल बादशाह ने बनाया, लेकिन ये उत्तर मुग़ल कालीन मुग़ल बादशाह ने बनाया जिसका नाम है अकबर सेकंड। हमने मुग़ल पूरे वंशावली पढ़ी है, उसमें हमने अकबर सेकंड का नाम पढ़ा है। तो अकबर सेकंड ने दिल्ली में ही एक और मोती मस्जिद बनवाया जो कि मेहरौली में है। तो ध्यान रखें, पहली आगरा की जो शाहजहाँ ने बनाया, दूसरी लाहौर की जो शाहजहाँ ने ही बनाया 1645 में। ईयर नहीं याद रहता आपको, मत याद करिए, राजाओं के क्रम तो पता है, उस हिसाब से आर्किटेक्चर के क्रम भी हो जाएंगे। तो पहले आगरा में बनी, फिर लाहौर में बनी, फिर औरंगज़ेब ने दिल्ली में बनवाई और फिर मेहरौली दिल्ली में अकबर सेकंड ने बनवाई। उसके अलावा तीन और हैं जो बाद में मुग़ल काल के अलावा दूसरे राजाओं ने बनवाई, भोपाल में आपको मिलेगी। तो ऐसी टोटल 7 मस्जिद हैं, ठीक है? तो ध्यान में रखिएगा स्थापत्य पढ़ते वक्त। तो इसका आंसर होगा डी, औरंगज़ेब। क्लियर? चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, अगेन मैच द फॉलोइंग में, और ये ना बहमनी साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन है। बहमनी, आदिलशाही, कुतुबशाही, निज़ामशाही, इमादशाही, ये राजवंश हैं और ये कौन से क्षेत्र में रूल कर रहे थे, आपको मैच करके बताना है। तो जब हमने बहमनी एम्पायर पढ़ा था तब आपको बताया था मैंने कि जो भी बहमनी साम्राज्य था या बहमनी एम्पायर था जो 1347 में हसन गंगू ने मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी, वो बहमनी साम्राज्य बाद में जाकर 5 हिस्सों में टूट जाता है। 5 हिस्सों में, एक हिस्सा अहमदनगर, एक हिस्सा बीजापुर, एक गोलकुंडा, एक बरार और एक बीदर, ऐसे 5 हिस्सों में टूट जाता है जहाँ पे 5 अलग अलग राजवंशों का रूल चलता है समानांतर, पैरेलल। और एक टेबल आपको बताया था जिसमें मैंने कहा था कि अहमदनगर में किसने रूल किया, बीजापुर में किसने रूल किया, ये आपको याद रखना है, ठीक है? बहमनी साम्राज्य से ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं आते लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से आता है, ठीक? तो वहीं से क्वेश्चन है, तो चले अगर आपको वो याद हो तो मैच करके बताएं। आदिलशाही, कुतुबशाही, निज़ामशाही, इमादशाही, बताइए भाई क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है डी, 2314। मतलब आदिलशाही बीजापुर के आदिलशाही, ये हमने मराठा में भी पढ़ा है। उसके अलावा कुतुबशाही गोलकोंडा, कुतुबशाही जिन्होंने 4 मीनार बनाए, जिन्होंने गोलकोंडा फोर्ट बनाया, तो जाहिर सी बात है गोलकोंडा के। उसके बाद निज़ामशाही अहमदनगर के और इमादशाही बरार के, 2314। और एक जो बचता है बीदर, बीदर के जो थे वो थे बरीदशाही, मिलता जुलता नाम है इसलिए अलग से याद रहता है, बीदर बदीर, ठीक है? तो बरीदशाही बीदर के याद रहता है। और आप याद रखें गोलकोंडा में गोलकोंडा फोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है? और वहीं पे आपको 4 मीनार हैदराबाद में मिलेगा, ये कुतुबशाहियों ने बनाया, बीजापुर के आदिलशाही हैं, ठीक? तो ये आप ज़रूर याद रखें और आंसर होगा ऑप्शन डी, पूरे 5 याद रखेंगे। संस्थापकों के भी नाम याद रखें, भले ही वर्ष ना याद रहे पर संस्थापकों के नाम ज़रूर याद रखेंगे, जैसे कि यूसुफ आदिल शाह, आदिलशाही सल्तनत के संस्थापक, जैसे कि कुली कुतुब शाह, कुतुबशाही के संस्थापक, ठीक है? वैसे ही अहमद शाह, निज़ाम शाही के, उसके अलावा फतेहउल्ला इमाद, इमाद शाही के संस्थापक, ऐसे आपको 5 के संस्थापक एरियाज याद रखने, ठीक? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अब तो क्वेश्चन नंबर 13 है, वास्को डिगामा के बाद कौन सा पुर्तगाली व्यापारी भारत आया? ये क्वेश्चन जो है भारत में यूरोपियों के आगमन से संबंधित है, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी पावर के स्टार्टिंग फेज़ को हमने पढ़ा था और अंग्रेज़ों के भी स्टार्टिंग फेज़ को पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड किया होगा तो इसका आंसर ज़रूर कर लेंगे। बताएं क्या है इसका आंसर, आफ्टर वास्को डिगामा कौन आया था इंडिया में? कॉर्नेलिस हाउटन, फ्रेंकोइस केरों, पेड्रो एल्बियर्स और कॉलबर्ट, चारों नाम सुने सुने होंगे उन सभी विदेशी ताकतों के। आंसर है पेड्रो एल्बियर्स।
कॉर्नेलियस हाउटन डच था जो पहले बेंथाम और सुमात्रा गया था, फ्रेंकोइस किरोन जो है उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1668 में भारत में सूरत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री स्थापित की थी, और कॉलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो निर्मित की थी, यानी बनाई थी एक्चुअली। तो ये सभी आपने यूरोपियों के आगमन संबंधित जो आपने लेक्चर था उसमें सुना होगा, जिसमें पेड्रो अल्बियर्स जो हैं वो एक पुर्तगाली नाविक व्यापारी थे जिन्होंने सन 1500 में भारत की यात्रा की। 1498 में जब वास्को डी गामा आकर यहाँ से मसाले वगैरह लेकर के गए, उसके बाद सन 1500 में पेड्रो अल्बियर्स आए, उसके बाद सन 1502 में वास्को डी गामा दोबारा आए। ठीक है, तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन उन कहानियों से है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में मूव ऑन करते हैं, आई होप क्लियर सी आंसर है पेड्रो अल्बियर्स, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्चुअल। अगर आपने एक्सट्रीमिस्ट फेज यानी कांग्रेस का जो उग्रवादी चरण है वो वाला लेक्चर देखा होगा तो आप ज़रूर आंसर कर लेंगे। बताएं 1908, 1909, 1907 की 1911। आंसर है ए 1908। दरअसल मुजफ्फरपुर के जो जज थे किंग्सफोर्ड उनके ऊपर हमला किया था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने, मास्टर खुदीराम बोस, याद है हमने पढ़ा था, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जो जज हैं किंग्सफोर्ड उनकी हत्या का प्रयास किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि भारतीयों के सहयोगी एक अंग्रेज मिस्टर कैनेडी और उनके परिवार को इसमें क्षति पहुंची कि परिवार मारा गया इस हमले में, और इसके बाद अंग्रेज़ों ने प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के ऊपर मुकदमा दर्ज किया। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुदकुशी कर ली, जबकि खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दे दी गई, और इस तरह से फांसी की सज़ा पाने वाले ये सबसे यंगेस्ट एक्सट्रीमिस्ट कहलाते हैं, है ना, पढ़ा था हमने। तो ये उसी घटना से रिलेटेड है, ये घटना सन 1908 में हुई थी। तो साथ ही साथ जितने और भारत में विदेशों में जितने क्रांतिकारी संगठन बने, जितनी क्रांतिकारी घटनाएं हुई, जो भी क्रांतिकारी नेता थे उन्हें ज़रूर एक लिस्ट के फॉर्म में अलग से बनाकर आप पढ़ लें। क्रांतिकारी आंदोलनों का जो पहला चरण था जिसमें आप देखते हैं कि नागपुर केस हो गया या अलीपुर शस्त्रागर केस हो गया या ये हो गया, दिल्ली षड्यंत्र कांड हो गया, ये जितना हमने पढ़ा था, उसके अलावा विदेशों में जो था, जो आप मैडम भीकाजी कामा के बारे में पढ़ते हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में पढ़ते हैं, वो पूरा एक पार्ट क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, उस दौरान कौन कौन से संगठन बने, कब क्या घटनाएं हुई, वो याद रखना है। और फिर क्रांतिकारी आंदोलन का जो दूसरा चरण सन 1924 से 28 के बीच में था, जिसमें एचआरए और एचएसआरए बने थे, उनके गठन, उनके नेता, उनके वर्ष और उन लोगों ने क्या क्या गतिविधियों को अंजाम दिया, उसे भी आप ज़रूर ध्यान में रखें। आप ऐसे अलग से संगठनों, नेताओं और वर्षों की एक लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो उसी में से क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया, आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 15, ये एक मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित लिखा है। पहला स्टेटमेंट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। सही है या गलत? गलत। हम सभी जानते हैं, ये तो बड़ी फेमस सी बात है, कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो गोकुलदास तेजपाल कॉलेज बॉम्बे में हुआ था, ना कि कलकत्ता में। तो इस तरह से पहला स्टेटमेंट अधिवेशन के संबंध में गलत। दूसरा, राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। सही है या गलत? सही। जो दूसरा अधिवेशन था ना, वो एक्चुअली कलकत्ता में हुआ था, और उसके अध्यक्ष पहले नॉन हिंदू या पहले पारसी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, दादा भाई नौरोजी। ठीक, तो ये सही है। थर्ड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। सही है ये गलत? बिल्कुल सही। 1916 में ही लखनऊ समझौता हुआ था, और इसमें नरम दल गरम दल भी एक साथ आए थे, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक साथ आई थी, इस वजह से ये अधिवेशन वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो मैंने आपको जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पढ़ाई थी, तब उस वक्त मैंने कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण अधिवेशन, उनके अध्यक्ष और उन अधिवेशनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं को विस्तार से बताया था। उस लिस्ट को ज़रूर देखें, उस
वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ से क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ख़ासतौर पे जो पहले चार अधिवेशन है मैंने आपको बताया था, बॉम्बे कलकत्ता इलाहाबाद और मद्रास, ऐसे आपको ऐसे चार याद रखना है क्रम से, ठीक है। पहले जो थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी, दूसरे दादा भाई नौरोजी, तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास के, और चौथे जॉर्ज यूल इलाहाबाद के। तो पहले बॉम्बे में, फिर कलकत्ता में, फिर मद्रास में, फिर इलाहाबाद में, ऐसा मैंने आपको बताया था 85, 86, 87, 88, जस्ट रिकॉल, या उस लेक्चर को जाकर देखें। पहले चार कहाँ हुए, कब हुए, कौन अध्यक्ष था, ये तो आपको याद रखना ही है। उसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन मैंने बताई थी, उससे संबंधित जानकारियाँ वहाँ से, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग, डायरेक्ट क्वेश्चन या मल्टीपल स्टेटमेंट, जिसमें से मल्टीपल स्टेटमेंट ये है, और इस हिसाब से आपका फर्स्ट रॉन्ग, सेकेंड और थर्ड सही, और कौन सा सही है पूछ रहा है, तो दो और तीन सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट राइट, ठीक। चलिए, आई होप समझ में आ गया, और अधिवेशनों को भी देख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 16 में मूव ऑन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, और किससे रिलेटेड पूछ रहा है, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में, 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो उस मिशन में रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, बातें थी, उसमें से कौन सी सही नहीं है पूछ रहा है। चलिए एक एक करके देखते हैं। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन स्टेटस, क्या क्रिप्स मिशन में ऐसा कोई वायदा किया गया था, किया गया था। इन्होंने एक यही तो मेन वायदा किया था कि हम आपको वो सारी चीज़ें देंगे जिसकी आप मांग कर रहे हैं, पर युद्ध समाप्ति के बाद, तो युद्ध समाप्त होने के बाद हमें डोमिनियन स्टेटस की बात देने की बात थी इसमें। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान, बिल्कुल सही। हमने पढ़ा था कि संविधान सभा, ये संविधान सभा की मांग जो हम कर रहे थे, उसको पहली बार स्वीकृति अगस्त प्रस्ताव 1940 में मिली, दूसरी बार 1942 के क्रिप्स मिशन में भी मिली थी। तो क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि संविधान सभा द्वारा आपको संविधान का निर्माण करवा कर दिया जाएगा, तो ये भी प्रस्ताव सही है। तीसरा, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, क्या ये बात थी उसमें, नहीं। आपको इसमें समझ में आ रहा होगा डायरेक्टली कि ये जो हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, नई परिषद का गठन, ये जो है ये तो वेवेल की योजना है। याद है हमने वेवेल प्लान 1945 पढ़ा था, जिसमें उन्होंने एक नई कार्यकारी परिषद के गठन की बात की थी और कहा था हिंदू और मुसलमानों को बराबर की उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, और इसी वेवेल योजना के ऊपर डिस्कशन करने के लिए शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था, पढ़े थे हमने से। तो ये तो वेवेल की योजना से संबंधित है, तो ये स्टेटमेंट क्रिप्स मिशन के संबंध में गलत है, ठीक है। और कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है, ये भी आप बाद में कैबिनेट मिशन में भी देखेंगे, और क्रिप्स मिशन में भी प्रस्ताव था, यानी हमें पावर ट्रांसफर करने से रिलेटेड सभी प्रस्ताव क्रिप्स मिशन में देखते हैं आप, लेकिन हिंदू मुसलमानों से संबंधित ये बराबर प्रतिनिधित्व का कोई प्रस्ताव इसमें नहीं था, वो वेवेल योजना का हिस्सा था। इस वजह से इसका आंसर होगा सी, ये इसका हिस्सा नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन 17 अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापक कौन थे, सर विलियम जोन्स, विल्किंस, मैक्स मुलर, ये जेम्स प्रिंसेप, सब सुने सुने से नाम है, सब हिस्ट्री में ही सुने सुने से नाम है। अगर आपने गवर्नर जनरल वाला जो पीडीएफ मैंने आपको दिया था उसे पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर ज़रूर कर लेंगे। आंसर है सर विलियम जोन्स, ए, सर विलियम जोन्स, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन सन 1784 में, जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने थे, इनके समय में सर विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। जब आप वॉरेन हेस्टिंग्स पढ़ते हैं, अगर आपने इस पीडीएफ में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय क्या क्या महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ हुई, उनमें से एक एक्टिविटी आपने पढ़ी होगी कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784 में। वॉरेन हेस्टिंग्स पढ़ेंगे तो आपको ये फैक्ट वहाँ मिलेगा। तो एक्चुअली में ना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है ये ओरिएंटल रिसर्च से रिलेटेड एक सोसाइटी विलियम जोन्स से बनाई थी, एक फिलोलॉजिस्ट थे विलियम जोन्स, और ओरिएंटलिज्म का मतलब होता है, ये ओरिएंटल स्टडीज़ का मतलब होता है कुछ इंपॉर्टेंट, ये सोशोलॉजी से रिलेटेड बात है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की जो संस्कृतियाँ हैं ना, उनकी संस्कृति, भाषा, लिपि की स्टडी
को ही हम ओरिएंटल रिसर्च बोलते हैं। तो ये संस्कृतियों की, भाषाओं की, लिपियों की स्टडी के लिए इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई थी। एक्चुअली ये खुद ओरिएंटलिज्म वाली फिलॉसफी से जुड़े हुए थे, एक ओरिएंटलिस्ट थे आप कह सकते सर विलियम जोन्स, और इन्होंने ही उस ओरिएंटलिज्म यानी उस पूर्वी और उत्तर पूर्वी जो संस्कृतियाँ हैं उनके ऊपर शोध के लिए ही ये सोसाइटी बनाई थी। ये सोसाइटी आज भी आप बंगाल में देखते हैं, इसके तहत वहाँ पे लाइब्रेरी है, इसके तहत वहाँ पे म्यूज़ियम है, और उन संस्कृतियों की सारे इम्पोर्टेंट पहलुओं का प्रदर्शन, उससे जुड़ी किताबें आपको उन म्यूज़ियम और लाइब्रेरी में मिलेगी। ठीक है, ओरिएंटलिज्म याद रखना। ठीक है, प्राच्य अध्ययन कहा जाता है, ओरिएंटल स्टडीज़ को प्राच्य अध्ययन कहा जाता है। तो प्राचीन संस्कृतियों के अध्ययन से संबंधित ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स के समय 1784 में विलियम जोन्स ने बनाई थी। क्लियर? चलिए, तो ऐसे ही आप गवर्नर जनरल के टॉपिक्स पूरे पढ़ें, आपको ऐसे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट वहां से उठाकर डायरेक्ट पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 में मूव ऑन करते हैं। नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नाम उल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। तो द क्वेश्चन इज फ्रॉम क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में समानांतर सरकार मतलब पैरेलल गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया था क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ाते वक्त कि कुछ एक जगहों पर वहाँ कुछ एक आध हफ्ते के लिए ही सही वहाँ के लोकल इंडियन जो रेवोल्यूशनरीज थे, ये इंडियन जो लीडर्स थे या भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जो लोग भारतीय थे, उन लोगों ने कुछ जगहों पर अंग्रेज़ों के साथ साथ खुद की भी सरकार बना दी थी, जिसे हम समानांतर सरकार या पैरेलल गवर्नमेंट कहते हैं, है ना। तो ये पूछा है कि इनमें से कहाँ कहाँ बनी थी वो पैरेलल गवर्नमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम 1942 में। तो ऑप्शन है आपके बलिया, सतारा, हजारीबाग, मेरठ। कहाँ कहाँ बनी थी भाई, याद है मैंने नाम लिए थे उनके, बलिया, सतारा, हजारीबाग, मेरठ। आंसर होगा बलिया और सतारा, यानी एक और दो, ऑप्शन ए। बलिया में बनी थी, सतारा में बनी थी, हजारीबाग में नहीं बनी थी, मेरठ में नहीं बनी थी। एक्चुअली पहली समानांतर सरकार जो है वो बलिया उत्तर प्रदेश में बनी थी, पढ़े थे हमने चित्तू पांडे के नेतृत्व में। दूसरी तामलुक में बनी थी, तामलुक मिदनापुर के पास है बंगाल में, तो बलिया में, फिर तामलुक में, फिर तीसरी जो है वो वाई वी चव्हाण ने बनाई थी सतारा में। ठीक है, तो बलिया, तामलुक और सतारा, ये तीन ही जगह पे आपको समानांतर सरकार पढ़ना है, बाकी हजारीबाग और मेरठ में नहीं। तो देखिए, गांधीवादी काल के जो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और क्विट इंडिया मूवमेंट है, मैंने लास्ट क्लास में भी उनमें से एक आध क्वेश्चन लिया, इसमें भी लिया, कि तीनों मूवमेंट तो हमेशा रेलिवेंट रहेंगे, हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाँ, क्वेश्चन का पैटर्न अलग हो सकता है, बहुत कुछ घटा था इन मूवमेंट्स के दौरान, बहुत कुछ हमने पढ़ा भी है, कुछ और फैक्ट्स जो किताबों से आपको पढ़ने भी चाहिए, और कोई भी फैक्ट से उठाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। अपने आप में ये आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन आंदोलन जो हैं, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया, इन्हें असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। भले ही बहुत फेमस है, लेकिन इसमें इतने सारे फैक्ट्स हैं कि क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है, तो जरूर आप देख कर पढ़ कर जाए। ठीक, तो बलिया, तामलुक, सतारा, तो इस हिसाब से बलिया और सतारा ऑप्शन है, हजारीबाग, मेरठ गलत। क्लियर है? दैट इज इट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन 19 पर। ये एक अगेन फेमस टाइप का क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, और जब मैं आपको गांधीवादी काल पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था कि गांधीवादी काल का सबसे बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन यही रहता है कि गांधीवादी काल में जो भी घटनाएं हुई थी वो एक दो साल के अंदर ही बहुत सारी घटनाएं हो गई थी, तो उन्हें क्रम से सजाने के लिए आता है कि कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी घटना बाद में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने आता है। तो अगर आपको एग्जैक्टली मंथ वगैरह याद है तब तो ठीक है, जो कि मुश्किल है बहुत, लेकिन अगर आपको एक कहानी के रूप में गांधीवादी काल याद है तो क्रम से सजाना कोई मुश्किल बात नहीं। क्या कह रही हूँ मैं, फिर से दोहरा रही हूँ, गांधीवादी काल जो है 1920 से 1947 वाला, उसमें जितना भी घटनाक्रम आप पढ़ते हैं उसमें आप देखते हैं हर एक के दो दो साल में या एक दो साल के अंतराल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो या तो आप एग्जैक्टली अगर एक साल दो साल के अंदर ही 8-10 गतिविधियाँ होगी तो या तो एग्जैक्टली आप उसके मंथ याद रखो तब उसे क्रम से सजा पाओगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता कि आपको मंथ याद रखें, आप अगर कहानी के तौर पर भी याद रखते कि इसके बाद ऐसा हुआ था, इसलिए ऐसा हुआ था, इसलिए ऐसा हुआ था, तब भी आप घटनाओं को क्रम से सजा सकते हैं। उदाहरण के लिए ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन में चारों घटनाएँ दी हुई हैं ना, कि 1931 में ही घटित हैं,
तो अगर आपने सिर्फ वर्ष पढ़ा होगा कि भाई भगत सिंह को फांसी कब हुई, तब भी आप 1931 पढ़ते, गांधी इरविन समझौता भी 1931 में पढ़ते, लेकिन आप 1931 की चारों घटनाओं को आपको क्रम से सजाने दे दिया है, तो या तो आप ईयर के साथ मंथ और डेट भी याद रखो, जो कि बहुत मुश्किल है, 1931 में मार्च में हुआ, अगस्त में हुआ, ऐसा याद रखो, या तो फिर अगर आपको दिमाग में ये याद है कि किसके बाद क्या हुआ, क्या घटनाक्रम चला, तो भी आप सजा सकते हैं। तो देखें, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी, गांधी इरविन समझौता। अगर मैं फैक्चुअली बताऊं तो ये जो गांधी इरविन समझौता है, ये 5 मार्च को हुआ था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हम सभी जानते हैं शहीद दिवस 23 मार्च को मिली थी। कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है ये 29 मार्च को हुआ था, और जो गोलमेज सम्मेलन सेकेंड वाला है वो 7 सितंबर को हुआ था, यानी सितंबर से दिसंबर ऐसा चला था 1931 में। तो ऐसे सजाने से तो सिंपल सा आ रहा है, पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, यानी 4-3-2-1 क्रोनोलॉजिकली। और इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा फिट बैठ रहा है आपका, ये सी, ऑप्शन सी सही क्रम है। ठीक, तो ये सही क्रम है। अगर आपको डेट्स याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेट्स नहीं भी याद होती तो हम ऑप्शन देख के इतना तो समझ सकते हैं ना कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसी में तो शर्तों के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को छोड़ा नहीं गया, और उसी के बाद फिर उनको पहले फांसी हुई। पढ़ा था हमने कि जो शर्तें मानी गई थी उसमें गांधी जी ने कहा था कि हिंसा में लिप्त दोषियों को छोड़कर शेष सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाए, और जब लॉर्ड इरविन ने देखा कि भाई ये भगत सिंह लोगों को रिहा करने के लिए नहीं कह रहे हैं, तो इस समझौते पे करार हो जाने के बाद भगत सिंह लोगों को फांसी हो गई। उसके बाद जब गांधी जी कराची अधिवेशन में गए, और उन्होंने क्योंकि भगत सिंह और बाकियों की फांसी नहीं रोकी थी, इस वजह से कराची अधिवेशन के वक्त गांधी जी का आम लोगों ने काफ़ी बहिष्कार किया था, और उसके बाद कराची अधिवेशन में ही तो ये मंजूरी मिली थी गांधी इरविन समझौते को, और ये भी मंजूरी मिली थी कि कांग्रेस सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में जाएगी, और इसलिए उसके बाद फिर सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। ये पूरी कहानी पढ़ी थी हमने, तो अगर वो कहानी भी याद है तो आप देखेंगे कि पहले समझौता हुआ, फिर फांसी हुई, फिर कराची अधिवेशन हुआ, फिर आपका दूसरा और फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो ऐसे ही कहानी याद रखिए, भले डेट्स ना याद रहे, तो गांधीवादी काल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा 1920 से 1947 तक। लेक्चर ज़रूर देखें, बुक में ज़रूर पढ़ें, और क्रम से दिमाग में सारे घटनाक्रम को ज़रूर याद रखें। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर। अगेन ये एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, और ये पूरी तरह से एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, आधुनिक काल में जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई उसके अलावा बहुत फैक्ट्स हैं। वक्त की कमी के हिसाब से हम हर चीज़ वीडियो में डील नहीं कर सकते, कुछ ज़रूरी चीज़ों की मैंने PDF आपको दी थी, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं भी दे पाई थी, लेकिन मैंने बताया ज़रूर था कि इसके अलावा आप ये चीज़ें और पढ़ लें। जैसे कि मैंने कहा कि आधुनिक काल में जितनी इंपॉर्टेंट किताबें लिखी गई उनके ऑथर्स का नाम ज़रूर पढ़ लें, बुक्स एंड ऑथर्स, जो नारे या स्लोगन्स दिए गए उनको ज़रूर पढ़ लें, जो टाइटल्स उस वक्त की महानुभूतियों को दिए गए वो ज़रूर पढ़ लें, उसके अलावा जो भी समाचार पत्र बंगाल गजट के टाइम से स्टार्ट हुए उन्हें आप ज़रूर पढ़ लें, जो भी शिक्षा के लिए कदम उठाए गए थे वो ज़रूर पढ़ लें, जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स अंग्रेजों ने लाए थे वो ज़रूर पढ़ लें। ऐसी 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की लिस्ट होती है जो हर किताब में आपको मिल जाएगी। कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की किताब है जिसमें लास्ट में अपेंडिक्स मिलता है, उसमें भी आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। तो इन चीज़ों को आपको देखना है, तभी आपकी हिस्ट्री की प्रिपरेशन कम्प्लीट होगी, क्योंकि ये पूरा फैक्ट है, चाहे वो बुक्स की लिस्ट हो, चाहे न्यूज़पेपर की लिस्ट हो, चाहे टाइटल्स की लिस्ट हो, वो आपको ही करने पड़ेगी। यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं, नोट्स दिए जा सकते हैं, किताबें अवेलेबल है, मैं यहाँ बस बता सकती हूँ कि इन चीज़ों को ज़रूर कर लेना। वहीं से एक क्वेश्चन है न्यूज़पेपर से रिलेटेड। मैंने आपको कहा था कि जेम्स ऑकल्स रिकी ने जो बंगाल गजट न्यूज़पेपर निकाला था, उसके बाद से लेकर जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं उन सब की लिस्ट आपको किताबों में मिलती है, महात्मा गांधी द्वारा निकाली गई, जैसे कॉमन विल है जो एनी बेसेंट ने निकाली थी, तो ऐसे ही सबकी आपको लिस्ट मिल जाएगी, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने उसे याद कर लिया होगा तो इसका आंसर ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, मतलब जवाहरलाल नेहरू की बुक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बुक है, महात्मा गांधी की बुक है, यानी बीसेंट की बुक है, ठीक, उसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र की बुक है, ऐसी बहुत सारी आपको लिस्ट है, उसे आप ज़रूर याद कर लें, स्टार्टिंग फ्रॉम बंगाल गजट। ठीक, तो देखिए
इधर समाचार पत्रों के नाम है, इस तरफ नेताओं के। लीडर बॉम्बे क्रॉनिकल, इंडिपेंडेंट, जस्टिस, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, टीएम नायर, मोतीलाल नेहरू। बताएं भाई क्या होगा आंसर इसका करेक्ट? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 1, 2, 4, 3। मतलब लीडर लिखी है मदन मोहन मालवीय ने, बॉम्बे क्रॉनिकल लिखी है फिरोज शाह मेहता ने ही, इंडिपेंडेंट जो समाचार पत्र है लिखा है, मतलब प्रकाशन किया, ठीक है, थोड़ा शब्दों पे इधर उधर जा रहा है तो उतना इग्नोर करें, समाचार पत्र मतलब इनका प्रकाशन किया बोल रहे हैं। तो लीडर का प्रकाशन मदन मोहन मालवीय ने किया था, ये हिंदू महासभा के मेन हेड थे और लीडर एक आप कह सकते हैं उनकी आइडियोलॉजी से रिलेटेड एक समाचार पत्र था जिसमें देशभक्ति और आज़ादी से रिलेटेड कुछ अवेयरनेस वाली बातें भी थी। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता ने, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने निकाला था और जस्टिस नाम का प्रकाशन किया था समाचार पत्र का टीएम नायर ने। ठीक, तो इस तरह से 1, 2, 4 और 3 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और भी जो पूरी लिस्ट है मैं बार बार दोहरा रही हूँ, मैंने क्या क्या कहा, न्यूज़पेपर्स कहा, बुक्स कहा, आधुनिक भारत की बात कर रही हूँ ना, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, इम्पॉर्टेंट कमीशंस जैसे हंटर आयोग बना, वुड कमीशन बना, ठीक है, ऐसे इम्पॉर्टेंट कमीशंस, उसके अलावा स्लोगन्स, किसने क्या नारा दिया था, डू और डाई का नारा है या फिर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दो, जो हम फेमस नारे बोलते हैं, उसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट नारे हैं जैसे कि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं और नेहरू एक राजभक्त, ऐसे वाले नारे आपने देखे होंगे, या स्टेटमेंट्स होते हैं कांग्रेस के बारे में स्टेटमेंट्स दिए, तो स्लोगन, स्टेटमेंट्स, ये सब आपको पढ़ना है, लिस्ट मिलती है बाकायदा आपको इसकी। उसके अलावा टाइटल्स या सोब्रिक्विट्स बोलते हैं हम इनको, उपाधियाँ, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, लौह पुरुष किसे बोला जाता है, जो हम कहते हैं सोब्रिक्विट से टाइटल्स, इसकी बिल ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो टाइटल, स्लोगन्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, कमीशंस, एक्ट्स, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया, ठीक है, स्लेवरी एबॉलिशन एक्ट कब आया, ठीक, ऐसे कुछ 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 आपको पूरी लिस्ट में मिलेगा, उसे ज़रूर पढ़ लें अदर देन वॉट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। फाइन विद दैट, ठीक है, तो इतनी ही चीज़ें थी, अब वक्त कम है सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज आपके सामने लाने, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा ना क्वेश्चंस ना ही बहुत ज़्यादा वीडियोस आपके साथ डिस्कस कर पा रहे हैं, लेकिन मैंने इन दोनों ही हिस्ट्री की वीडियोस में कोशिश की है कि मैं हर इंपॉर्टेंट सेक्शंस को छू सकूं ताकि आपको बता सकूं कि कौन से हाईलाइटेड पोर्शन हैं और कहां आपको मेहनत अपनी फोकस करनी है। आज की वीडियो में इतना ही, हिस्ट्री में टोटली एमसीक्यूज जो आपके प्री से पहले हम लाना चाहते थे इतने ही क्वेश्चंस हैं, होप आपको कुछ मदद इससे ज़रूर मिली होगी, तैयारियों को धार देने में हमारे एमसीक्यूज ने आपको ज़रूर हेल्प किया होगा। बाकी अगर कहीं और कोई कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वेबसाइट हमारे अवेलेबल है, हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर अवेलेबल है, आप कोई भी माध्यमों से हम तक अपने डाउट्स को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ इट विद द हिस्ट्री एमसीक्यूज, इतने ही क्वेश्चन थे जो मुझे डिस्कस करने थे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CGPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, बेस्ट ऑफ लक।